खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को रेप केस में दोषी करार दिया है। साल 2002 में इस रेप केस की जानकारी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने पहली बार दी थी। रामचंद्र छत्रपति सिरसा के सांध्य दैनिक पूरा सच के संपादक थे। साध्वी के साथ हुए कथित रेप की खबर प्रकाशित करने के कुछ महीने बाद ही छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिरसा के स्थानीय पत्रकार प्रभु दयाल ने बताया कि साल 2000 में सिरसा में रामचंद्र छत्रपति ने वकालत छोड़कर पूरा सच के नाम से अखबार शुरू किया था। प्रभु दयाल आगे बताते हैं कि 2002 में उन्हें एक गुमनाम चिट्ठी हाथ लगी जिसमें डेरे में साध्वियों के यौन शोषण की बात थी। उन्होंने इस चिट्ठी को छाप दिया जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आखिरकार 19 अक्टूबर की रात छत्रपति को उसके घर के आगे ही गोली मार दी गई। इसके बाद 21 अक्टूबर को दिल्ली में अपोलो अस्पताल में उनकी मौत हो गई। प्रभु दयाल बताते हैं कि इस दौरान वह होश में आए लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण छत्रपति का बयान तक दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद उनके बेटे अंशुल छत्रपति ने कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की। वो बताते हैं कि छत्रपति अपने अखबार में डेरा सच्चा सौदा की अच्छी और बुरी खबरों को छापते थे जिसके कारण उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रहती थी। छत्रपति का परिवार आज भी उनकी हत्या के मामले में न्याय का इंतजार कर रहा है। यह मामला भी उसी सीबीआई कोर्ट में चल रहा है जिसमें राम रहीम को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है। एक अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स खबर के अनुसार अक्टूबर 2002 को छत्रपति को उनके घर में गोली मारी गई। उनके बेटे अंशुल ने बताया कि मैं उस समय 21 साल का था, मुझे कुछ नहीं पता था कि न्याय पाने के लिए कहां जाऊं। पुलिस ने एफआईआर में डेरा प्रमुख का नाम तक शामिल नहीं किया। राम रहीम पर फैसला आने के साथ ही रामचंद्र छत्रपति के लिए सोशल मीडिया पर न्याय की मांग उठने लगी है। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने फेसबुक पर रामचंद्र छत्रपति का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, छत्रपति एक ईमानदार और साहसी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। छत्रपति से मुलाकात और उनके साहस का जिक्र करते हुए योगेंद्र ने लिखा, हमने साध्वी की चिट्ठी छाप दी है, उसके बाद बाबा बौखलाए हुए हैं। चिट्ठी छापने के महीने के अंदर उसे लीक करने के शक में भाई रंजीत की हत्या कर दी गई। सुनकर मैं सिहर गया, पूछा, रामचंद्र जी आपको खतरा नहीं है? बोले, हाँ कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन कभी न कभी तो हम सबको जाना ही है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि 4 दिन बाद खबर आई कि रामचंद्र छत्रपति के घर पर हमलावरों ने उन्हें 5 गोलियां मारी। कुछ दिन बाद ही छत्रपति चल बसे। हरियाणा सरकार ने हत्या की ढंग से जांच तक नहीं करवाई। प्रदेश के पत्रकार खड़े हुए हैं, फिर भी सरकार सीबीआई जांच के लिए नहीं मानी। आखिर में उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच हुई। जांच के बाद सीबीआई ने राम रहीम और उनके विश्वास पात्रों को छत्रपति की हत्या का आरोपी बनाया। वो मुकदमा अभी भी चल रहा है और फैसला आना बाकी है। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।